YouTube चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आभारी हूँ सभी कस्टमर्स का जो मेरे वेबसाइट से परचेज करते हैं या मेरे स्टोर से परचेज करते हैं। एक नई SMD क्विक 8586 डी प्लस, ये 715 जो क्विक की SMD है उससे बिल्कुल मिलती जुलती SMD है। बहुत सारे फीचर्स कॉमन है। वीडियो बनाने का पर्पज है सबसे बढ़िया। अभी दोनों साइड में आपको ऑफ लिखा नजर आ रहा है। 2-in-1 SMD है सोल्डरिंग स्टेशन के साथ में। जैसा कि मैं पहले भी बताता हूँ, ये सोल्डरिंग स्टेशन जो है वो 70 वाट का है, 70 वाट, और जो ये हॉट एयर स्टेशन है ये 800 वाट का है। तो BGA का IC का वर्क करने के लिए इसे परफेक्ट SMD है, बेहतरीन SMD है। आप अगर उठाएंगे इसको देखेंगे, पूरी मैंने SMD लॉक कर रखी है। ये पैनल पे लगा हुआ है। ये इनसाइड नोजल्स हैं कर्ली टाइप एयर के लिए, इसे वॉलीटाइल एयर भी बोलते हैं, और ये हेलिकल भी बोलते हैं उसको, हेलिकल एयर देती है ज़्यादातर। हेलिकल एयर में क्या होता है कि जब भी एयर आएगी वो राउंड शेप में निकलेगी, तो आपके PCB को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अभी इस SMD का कोई भी बटन काम नहीं कर रहा। ये SMD उन लोगों के लिए बहुत परफेक्ट है जो सिंगल हैंड पर्सन है, लेकिन उसको खाली CPU उतारना है, CPU लगाना है। उसने टेम्परेचर जो है 320 पे सेट किया, एयर को 80 पे या 60 पे सेट किया और SMD को लॉक कर दिया। जब भी उठाएगा यहाँ से दोनों बटन ऑन करेगा, लेकिन क्योंकि ये बटन इस टाइम ऑफ पोजीशन में मैंने डाल दिए हैं, इसको ऑन कैसे करना है सबसे पहले आपको बता देता हूँ। आपने SMD का मेन पावर ऑफ किया, दोनों बटन प्रेस किए, ऑन किया, आपका सी लिखा हुआ आ गया। करेक्ट पासवर्ड जो मैंने इसका जो इनिशियल पासवर्ड होता है 000 होता है, 000 जिसे आप कह सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा पासवर्ड चेंज करके 786 कर देता हूँ। मैंने 786 कर दिया। और ये पासवर्ड मैंने फीड किया इसके अंदर, अगेन प्रेस किया, इसके पासवर्ड एक्सेप्ट कर लिया, 1 आ गया। इस 1 के ऊपर मैंने दोबारा प्रेस किया तो ये आपका जो है सारी वर्किंग शुरू हो गई, क्योंकि मैंने इसको ऑन कर दिया। अगर मैं इस पैरामीटर को 1 की जगह 2 पर सेट कर देता तो ये आपकी SMD भी बंद रहती और ये वर्किंग भी नहीं करती। अभी मुझे इस SMD को वर्किंग में लाना है तो इन दोनों बटन्स को मैं दबाऊंगा। इसका ये एक और बहुत बेहतरीन फीचर है, जैसे कि आपको आयरन यूज़ नहीं करना है तो आप आयरन को डिस्कनेक्ट करके रख देंगे, काम ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने इसको ऑन कर दिया यहाँ से दबा के और आयरन यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, तो सेंसर SE ये जो आपको एरर दिखा रहा है, इसका मतलब है कि आपका हीटर, आपका जो पेन है वो कनेक्टेड नहीं है, मतलब सेंसिंग नहीं हो रही उसको कि हीटर उसके साथ लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। इसकी एक और खासियत है, इसका अगर फैन खराब होगा तो ये आपको FE शो करेगा यहाँ पे, और अगर पावर कंजप्शन में कोई प्रॉब्लम होगी तो ये आपको HE शो करेगा। अब हम इसको उठाते हैं, और जैसे ही मैंने इसको उठाया ये 320 पे जाके कट ऑफ कर जाएगी। परफेक्ट SMD है, 320 डिग्री सेल्सियस पे जाके कट ऑफ कर जाएगी जहां मैंने इसको रखा हुआ था। ये बीप इसलिए दे रहा है क्योंकि ये जो है अभी मेरा आयरन लगा हुआ नहीं है। मैं आयरन लगा दूंगा तो उसकी बीप आनी जो है बंद हो जाएगी। तीसरी चीज, इसकी फैन की और दोनों स्टेज ही आपको शो कर रहा है। यहाँ पे फैन भी आपको इसकी फैन की मूवमेंट भी शो कर रहा है कि फैन प्रॉपर वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, और एयर का ग्राफ भी आपको शो कर रहा है। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाएंगे एयर को, ये जो है आपका बढ़ता चला जाएगा। ये 320 पे आके कॉन्स्टेंट हो गई एयर, और आप वापस रखेंगे तो ऑटो कट तो इस SMD में आता ही है। अनबॉक्सिंग मैं करता नहीं हूँ, ज़्यादातर को टाइम बहुत वेस्ट करना पड़ता है। ये स्टैंड आता है साथ में, ये पेन आता है, 3 नोजिल, एक ये गियर चाबी इसको चलाने के लिए। और अभी हम इस आयरन को लगा देंगे तो ये साउंड भी बंद हो जाएगी। ये साउंड भी आपके ऊपर डिपेंड करती है, अगर आप चाहते हैं तो ये साउंड रख सकते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नहीं रख सकते। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है बार बार उसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया होता है। जब भी आपको परचेज करनी है आप मेरे स्टोर को विजिट कर सकते हैं। LCD बेस्ड SMD है, और साथ में जो है आपको कोई स्पेसिफिकेशन देना है, कोई सजेशन देना है तो आप YouTube पे जाके फीडबैक लिख सकते हैं। अब ये आयरन वर्किंग करना शुरू हो गया लगाते ही। हमेशा लोगों को प्रॉब्लम आती है कि जी आयरन जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। 99% लोग जो है इसको यहाँ से लूज रखते हैं, इसको टाइट नहीं करते। इसका टाइट होना बहुत ज़रूरी है, अगर ये टाइट नहीं होगा तो स्पार्क करेगा। तीसरी चीज़ स्पेशली बता रहा हूँ, अभी तक बताया नहीं, आपका फेज, आपका जो ये प्लग है, मैं आपको एक बार SMD बंद करके प्लग निकाल के समझा देता हूँ। ये SMD का जो प्लग है इसके ऊपर एक चीज लिखी होती है, N और L। तो ये जो
आपका ये वाला पोर्शन है जो आपके राइट साइड पे है, ये इस साइड पर, इसमें आपका फेज आना चाहिए। मतलब अगर आप टेस्टर लगा के चेक करें तो फेज आपका यहाँ पे आना चाहिए और न्यूट्रल आपका यहाँ पर आना चाहिए। जिन लोगों के पास ये चीज उल्टी होगी उनको असेंबली में प्रॉब्लम आएगी आएगी, उनके तो हीटर में प्रॉब्लम आ जाएगी या असेंबली में प्रॉब्लम आ जाएगी किसी ना किसी टाइप की, असेंबली गर्म होगी। दूसरी चीज, जब आप फर्स्ट टाइम सोल्डर, कोई भी सोल्डरिंग स्टेशन ऑन करते हैं तो उसका टेम्परेचर 250 से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखें। पहले उसके ऊपर जो है सोल्डर मेल्ट करें, लगाएं, उसको साफ करें टिप को, ताकि जो पॉलिश टिप है आपकी, जैसे कि क्विक की महंगी टिप है, ये जो है चारों तरफ से पॉलिश हो जाए और सोल्डर को पकड़ ले। उसके बाद आपको दो समस्याएं नहीं आएंगी, एक तो सोल्डर का ऊपर भागने की, और दूसरी जहां पर भी आप देखिए इसकी नॉब इतनी बारीक है, इतनी माइन्यूट है कि आप बारीक से बारीक जो है सोल्डर कर सकते हैं इजीली। उसके बावजूद भी आपको उसकी टिप को जो है टिप रिफ्रेशनर यूज करना है, बहुत अच्छी चीज है, लाइफ का आता है हमारी कंपनी का। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अगर 200 से 300 के बीच में से पहले चला के एक बार टिप के ऊपर सोल्डर लगा लेंगे तो टिप की जो है लाइफ आपकी कम से कम ना करते करते भी 10 टाइम जो है बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, असेंबली को डायरेक्ट कभी बंद ना करें, जितनी भी ऑटो कट असेंबली है इनको तब तक चलने दें जब तक इनका एलिमेंट ठंडा नहीं हो जाता। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट्स। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कभी भी आप प्राइस पूछ सकते हैं, मेरी वेबसाइट पर लॉग ऑन कर सकते हैं www.simlacommunication.com पर जाके, और मेरे स्टोर पर विजिट करके परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।